नमस्कार। अगर आप पहली बारी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कल एक बहुत बड़ी लीगल और पॉलिटिकल घटना होने वाली है। सुबह अरविंद केजरीवाल सीबीआई के दफ्तर जाने वाले हैं। एक्साइज लेकर स्कैम, वो स्कैम जिसमें उनके डेप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर सिसोदिया जेल में है, सीबीआई में भी और ईडी केस में भी। तो कल सुबह वो जाएंगे, क्या वो वापस बाहर आएंगे या अरेस्ट होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है, मनीष सिसोदिया ने क्या जानकारियां दी हैं अब तक सीबीआई को भी और ईडी को भी, क्या उनसे अरविंद केजरीवाल और ज्यादा फंस गए हैं। तीसरा, जो राजनीति चल रही है और उसी में बीजेपी का पक्ष और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने परसों मंडे को स्पेशल सेशन असेंबली का कॉल कर लिया है। इस पॉलिटिकल मूव में भी एक लीगल सिग्निफिकेंस है, मैं उसकी बात करूंगा आपके साथ। तो ये सारे मुद्दे आज डिस्कस करते हैं। आपको पता है समन्स इशू हो चुका है, उस समन्स को अभी तक ये जानकारी आ रही है कि लीगली चैलेंज नहीं किया। इनफैक्ट केजरीवाल की स्टेटमेंट आ चुकी है कि वो जाएंगे सीबीआई के दफ्तर, पर उस स्टेटमेंट के साथ साथ संजय सिंह की, आतिशी मार्लिना मिनिस्टर की, खुद अरविंद केजरीवाल की बहुत सारे ट्वीट्स और प्रेस स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें भूमिका में बता दूं वो कह रहे हैं कि बीजेपी मेरे पे एक्शन करवा रही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी कि जितने भ्रष्ट हैं सीबीआई उनके ऊपर एक्शन ले, घबराए मत, ये संकोच मत करे कि वो सत्ता में है या सत्ता में नहीं है या बहुत देर सत्ता में रहे हैं, तो उसको वो कहते हैं कि बीजेपी में ही सारे भ्रष्ट हैं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, और यही स्टेटमेंट आपकी लाइंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। बीजेपी का ये है कि सबसे बड़ा नटवर लाल है केजरीवाल, और बीजेपी की ये स्टेटमेंट्स हैं इसके ऊपर। पर लीगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल क्या पैरामीटर्स हैं जिस पे केजरीवाल को बुलाया जा रहा है और उनके लिए मुसीबतें काफी हैं। सिसोदिया ने भी समन्स को चैलेंज नहीं किया था, एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट मांगने नहीं गए थे, और जहां पे जब बेल मांगी अरेस्ट होने के बाद तो वो रिजेक्ट हो गई थी। तो केस सीबीआई का प्राइमा फसाया बेल के लिए कोर्ट ने साबित माना था। अब केजरीवाल को बुलाने के पीछे दो चीजें सोशल मीडिया पर चल रही है। एक, क्या मनीष सिसोदिया ने बोला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया बहुत नाराज थे कि उनका मंत्रालय इतनी जल्दी रिजाइन करवा लिया गया, जबकि सतेंद्र जैन बहुत देर मंत्रालय में रहे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उनकी मिनिस्टीरियल रिप्लेसमेंट हो गई उनके घर के साथ जो हुआ, पर ये सारा सोर्स बेस्ड सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्या उनकी स्टेटमेंट पे केजरीवाल को बुलाया जा रहा है? मेरा कहना है वो रेलेवेंट ही नहीं है। उनकी जो स्टेटमेंट है वो तो सामने दिखेगी, पर उनको बुलाने के पीछे सीबीआई के पास ठोस सबूत हैं जो सीबीआई ने अलग अलग जगहों पे ईडी और सीबीआई ने दिए हैं। जैसे कि अगर मैं पहले की बात करूं, उनका कहना है विजय नायर जो इस पूरे स्कैम का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था, वो विजय नायर अरविंद केजरीवाल के संपर्क में था। वो विजय नायर को फेस टाइम, ईडी का कहना है जब उन्होंने डिस्क्लोजर दिया था एक रिमांड नोट में और उनकी अलग जगहों पे, कि सीएम की एक वीडियो कॉल करवाई अक्यूज नंबर वन समीर महेंद्रू से विजय नायर ने, जिसमें वो कहा गया कि विजय नायर इज माई बॉय और समीर उसको ट्रस्ट करे और आगे बढ़े। ये कॉल तब हुई जब पॉलिसी फॉर्मुलेट हो रही थी। तो विजय नायर जो जेल में है, यही सफिशिएंट एक ग्राउंड बन जाता है समन करने का, मैं उदाहरण देता हूं। दूसरी बात जो सामने आ रही है कि विजय नायर वाज एक्टिंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ डिप्टी सीएम एंड सीएम, और ये बात ईडी ने आर्गुमेंट्स के दौरान कही थी। अभी सीबीआई समन है, ईडी का समन आएगा, पॉसिबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा है जब वो कोर्ट में ये आर्ग्यू कर रहे हैं। तीसरी बात, जो अफसर इन्वॉल्व थे इस पॉलिसी में, सी अरविंद, नो रिश्तेदार ऑफ अरविंद केजरीवाल, जो एक अफसर थे, वो उनकी स्टेटमेंट्स हैं जो सेक्रेटरी थे सिसोदिया को, मटेरियली पूरी चीज में उनको नॉलेज है, उन्होंने डिपोज किया है कि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी और सर्कमस्टांसेस अंडर चेंज ऑफ दिस पॉलिसी जिससे स्कैम हुआ, उस सब में केजरीवाल की वो जांच के दायरे से और नजर के दायरे से बाहर नहीं था। ये भी एलिगेशंस हैं कि कुछ मीटिंग्स अरविंद केजरीवाल के सीएम के जो हैं उनके रेजिडेंस पे हुई हैं। तो ये सारी बातें जो जांच एजेंसी के सामने हैं वो पे पूछताछ होगी।
मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में एक बारी मुंह खोला था और उन्होंने कहा था, मुझसे बार बार सेम सवाल पूछ रहे हैं, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे साथ ये उचित नहीं हो रहा। पर अब उनकी अगर सीबीआई चाहेगा तो कन्फ्रंटेशन भी होगी। राजनीतिक चुटकुली बीजेपी ले रही है कि तीनों याद, केजरीवाल, सतेंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तिहार, वो सब राजनीतिक रूप पे है और उसका आम आदमी पार्टी भी राजनीतिक जवाब दे रही है। पर जो ये फैक्ट्स ऑफ द केस है ये इंपॉर्टेंट है, जो सीबीआई कह रही है वो इंपॉर्टेंट है। और अरविंद केजरीवाल इस पे थ्रेटन भी कर रहे हैं कि मैं सीबीआई पे केस डालूंगा। तो वो जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि विटनेसेस को टॉर्चर किया जा रहा है, विटनेसेस को मारा जा रहा है, जो फोन 14 फोन डिस्ट्रॉय की बात हो रही है वो फोन सारे 14 डिस्ट्रॉय हुए ही नहीं है, कुछ उनके मुताबिक कस्टडी में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की। पर एक बड़ी बात जो बार बार कोर्ट में कही गई है कि उसी दिन सिसोदिया ने अपना फोन बदला जिस दिन एलजी ने सीबीआई को फाइल रेफर की, उस पे कुछ बड़ा बचाव नहीं आया कोर्ट में और उनकी बेल भी आपको पता है सिसोदिया की डिनाई हो चुकी है। अब केजरीवाल से क्या जांच एजेंसी डिजिटल एविडेंस चाहती है, फोन, लैपटॉप, आईपैड, जो भी डिजिटल एविडेंसेस हैं, क्या वो कन्फ्रंट करवाना चाहती है, क्या वो अरेस्ट करना चाहती है, क्या वो दोबारा समन करना चाहती है, ये सारी बातें आपको कल पता चलेंगी। ग्राउंड्स बहुत स्ट्रांग है और केजरीवाल ने असेंबली सेशन बुलाया है मंडे आम आदमी पार्टी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर वो अरेस्ट नहीं होते और असेंबली में होते हैं तो वो जो बात असेंबली में बोलते हैं, कुछ भी हमला करते हैं, उस पर कोई नया केस नहीं हो सकता। उन्होंने पहले भी असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अडानी को लेके, उनकी बहुत सारी बातों को लेके हमला किया और उसमें डायरेक्ट एलिगेशंस लगाई, हिमंता बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर पे लगाई असम के। पर वो सारी प्रोटेक्टेड स्पीच है संविधान के अंदर, पार्लियामेंट में जो आप बोलते हैं और असेंबली में जो बोलते हैं ये एक लीगल प्रोटेक्शन है कि निडर होके कोई एमएलए या एमपी बोल पाए। उस समय ये नहीं सोचा गया था कि इसको एक इस तरह का मंच बना दिया जाएगा कि नेकेड एलिगेशंस लगाई जाएंगी जो बाहर रिपीट नहीं की जाएंगी। जैसा इन्होंने जो वो चीजें बोली वो बाहर रिपीट नहीं की, कई चीजें रिपीट नहीं करी क्योंकि उनके ऊपर ऑब्वियसली राइट बनता है हिमंता बिस्वा शर्मा का भी और प्रधानमंत्री का भी कि वो एक्शन ले पाए। तो ये मंडे का है, ये है तो पॉलिटिकल मूव पर ये एक लीगल स्ट्रेटजी की मूव है कि वो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, वो जो बोलेंगे वो प्रोटेक्टेड स्पीच के दायरे में आएगी अगर वो मंडे को बोलने की स्थिति में होंगे और सीबीआई का अरेस्ट नहीं होगा। उन्होंने जो थ्रेट किया है ईडी सीबीआई जो भी जांच एजेंसी है उस पर उन्होंने साफ कहा है कि अगर जो आप सब कर रहे हैं मैं आप पे ही केस डालूंगा। We will file appropriate cases against CBI and ED officials for perjury conduct producing false evidence in court. ये तो वो पहले भी कर सकते थे और वो अगर false evidence है तो court में साबित करके bail भी मिल जानी चाहिए Mr. Sisodia को। पर किरण रिजिजू जो law minister है वो इस पे आए हैं, वो बोल रहे हैं forgot to mention that you will file cases against honorable courts also if it convicts you. Let law take its own course, we must live in rule of law. ईडी सीबीआई के खिलाफ कोर्ट जाओगे और अगर कोर्ट के भी खिलाफ गई तो क्या कोर्ट के खिलाफ भी जाओगे, ये उन्होंने प्रश्न करके छोड़ दिया। सो पूरा लॉ और पूरा पॉलिटिक्स मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत बेसिक लेवल पे समझाने की कोशिश की है क्योंकि एलिगेशंस पॉलिटिकल अटैक्स के बाहर आपका बीजेपी भी बीजेपी बाहर एंड में रिलीफ कोर्ट से मिलना है, एंड में टेस्टिंग कोर्ट में होनी है और वो कोर्ट की टेस्टिंग समन्स चैलेंज करने वाली अरविंद केजरीवाल ने अभी तक की नहीं है, वो जा रहे हैं। अरेस्ट वाली होता है नहीं होता है, जो भी होता है वो आपसे कल डिस्कस करूंगा। और अगर होता है अरेस्ट तो ऑब्वियसली वो राजनीतिकली एक सिटिंग सीएम और लीगली एक सिटिंग सीएम पे कोई ऐसी इम्यूनिटी नहीं है कि उनका अरेस्ट नहीं हो सकता। नो सीएम इज इम्यून फ्रॉम इट, एवरी सिटीजन, कोर्ट के ऑर्डर से आप एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं अलग बात है। तो ये है आज की सिचुएशन, कल दोबारा बात करेंगे उनकी सीबीआई इंटरोगेशन के बाद। भारत माता की जय।